सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्पीड न्यूज को, बेल आइकॉन को दबाए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। बेटी का जन्म होते ही 50,000 रुपए देगी सरकार, जाने कैसे। स्पीड न्यूज। दोस्तों, क्या आपने शुभ लक्ष्मी योजना के बारे में सुना है, जिसके तहत बेटी के जन्म पर सरकार की तरफ से 7,300 रुपए की राशि दी जाती थी, परंतु अब इस योजना का नाम बदलकर राजश्री योजना कर दिया गया है और 7,300 रुपए की राशि की जगह पर अब बेटी की मां को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस योजना में और क्या क्या बदलाव हुए हैं। हम यहां आपको बता दें कि सिर्फ सरकारी अस्पताल में पैदा हुई बच्चियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। यह राशि आपको 12th तक पढ़ाई पूरी करने पर टुकड़ों में प्राप्त होगी। जब बच्ची पैदा होगी उस समय सरकार की तरफ से माँ को 2,500 रुपए की राशि दी जाएगी और 2,500 रुपए की राशि बच्ची के पहले जन्मदिन पर दिए जाएगी। लेकिन यह राशि तभी प्राप्त की जा सकेगी जब बच्ची का पूर्ण टीकाकरण हो चुका हो। फिर जब बालिका पहली कक्षा में प्रवेश लेगी तब 4,000 रुपए और माँ के खाते में सरकार द्वारा दिए जाएंगे। इसी प्रकार बेटी के 6ठी कक्षा में पहुँचने पर 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी और 11,000 रुपए की राशि 10वीं कक्षा में प्रवेश के दौरान दी जाएगी। और आखिरी किश्त जो कि 25,000 रुपए है, जो बालिका के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलेगी। और इस प्रकार से पूरे 50,000 रुपए की राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा, जो कि बच्ची की माता के खाते में आएगा। तो फ्रेंड्स, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस योजना का फायदा उठा सके और हमारे चैनल स्पीड न्यूज को फॉलो करना ना भूले। थैंक यू।